बुद्ध दो खजाने तेरे भरेगा, जो कलम की कमाई तू करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा, आपके साथ इन पंक्तियों के साथ जो मेरे द्वारा लिखित हैं और जिनका बेसल आता। दोस्तों, जब भी बुद्ध खाना नंबर दो में हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो कलम की कमाई करे। कलम की कमाई मीन्स कि वो काम जिसमें उसके उसे पेन का यूज करना पड़े, उसके सिग्नेचर्स की वैल्यू हो। मोस्टली देखा गया है कि ऐसे जातक टीचिंग फील्ड में होते हैं या वो काम करते होते हैं जिसमें उनके सिग्नेचर्स की वैल्यू होती है। कोई प्रिंसिपल होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई क्लर्क होगा, तो जितना ज्यादा ये जातक वो काम करेगा जिसमें पेन इन्वॉल्व है, कलम इन्वॉल्व है और इसके सिग्नेचर इन्वॉल्व है, उतना ही, क्योंकि दूसरा घर जो है वो खजाना है, वो धन है, तो उतना ही बुद्ध वहां पर धन इकट्ठा करता जाएगा, इसके लिए बेनिफिशियल होता चलता जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।